हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ अपने एक नए एक्सरसाइज के साथ। क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, जिसमें हम लोग सीखेंगे मेथड, एल्जेब्रिक मेथड्स। ओके, एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है डियर, तो देखते हैं फिर कौन कौन सी मेथड हमारे पास आने वाली हैं और क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं और कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे, वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, चलो देखो यार, एल्जेब्रिक मेथड जो हमारे पास आती हैं उसमें पहली वाली जो आपके पास आएगी वो आएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको हम पढ़ेंगे। इसमें आपके पास दो तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, एक तो बनी बनाई सिंपल इक्वेशन सॉल्व करो और एक आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम मतलब पहले इक्वेशन को फाइंड करो उसके बाद जाके उनको सॉल्व करो। ठीक है, दूसरी तुम्हारे पास आएगी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इसको आप सीखोगे, इसमें भी सेम दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, एक कौन से एलिमिनेशन सीधे करने वाले और एक आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाली है। ठीक है, और तीसरा तुम्हारे पास आएगा वो आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे अच्छी मेथड लगती है मुझे, बाकी आप लोगों को देखते हैं कैसी लगती है। ठीक है, इन तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे, उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डियर पहली वाली हमारे पास आ रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे मज़े की बात, इसके लिए कोई फॉर्मूले नहीं है, आपने केवल मेथड का लगाने का तरीका सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो सीखना है, बस हो गया। बाकी कोई फॉर्मूला नहीं, कोई एल्गोरिदम नहीं है, केवल स्टेप हैं, कुछ एक छोटे से स्टेप। ठीक है, तो उसको क्वेश्चन के तहत समझेंगे और उसके बाद जाके उसको बाकी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है डियर, तो मैं आ रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं और आराम से करते हैं, बहुत प्यार से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है डियर, देखो जी क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाई द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, कुछ इक्वेशंस आपको दी हैं, उनको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आपने सॉल्व करना है। ठीक है डियर, शुरुआत करते हैं। पहली इक्वेशन आपके पास है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन वन हो गई। ओके, दूसरी इसके साथ में है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आपका 4 इक्वेशन टू हो गई। ठीक है, ठीक हो गया। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, आपने सबसे पहला काम इनमें से किसी इक्वेशन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो तुम्हें अच्छी लग रही है उसको सेलेक्ट करो। चलो मैंने इक्वेशन टू पकड़ ली, तुम वन पकड़ सकते हो, तुम्हारी इच्छा। फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से आपने क्या करना है, एक्स या वाई को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ दूसरा वेरिएबल। अगर आप एक्स निकाल रहे हो तो उसको इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड करो, अगर आप वाई निकाल रहे हो तो उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। मतलब ये हुआ, चलो मैं इससे एक्स निकालता हूँ, है ना, एक्स कितना आ जाएगा, माइनस वाई वहां पटक दिया तो वाई प्लस फोर, ये ऐसा करना है तुमने। या एक्स निकालना है या वाई निकालना है, मर्जी आपकी, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जिस इक्वेशन से आपने एक्स या वाई निकाला, ठीक है, उसकी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन पे पुट कर दो, उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एक इक्वेशन से एक वेरिएबल आपने फाइंड किया, उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो पहली इक्वेशन आपके पास यूज नहीं हुई है उसमें सारा का सारा आपको सिंगल वेरिएबल दिखेगा। देखते हैं क्या आता है, एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन। लो भैया इक्वेशन वन पे हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किसकी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को, जो कौन है, वाई प्लस फोर है। ये रही इक्वेशन वन, एक्स के प्लेस पर क्या रखूं, वाई प्लस फोर, प्लस कितना पड़ा हुआ है वाई, इक्वल टू कितना पड़ा हुआ है 14। चलो वाई प्लस वाई कितने वाई हो गए, 2y, इक्वल टू यहाँ आया 14, ये प्लस 4 वहाँ पटक दिया तो माइनस 4, 2y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, यहाँ लिख रहे हैं 2y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास
14 माइनस 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 2 से कल्टी, 5 जा बार, वाई कितना आ गया आपका 5। लो डियर, वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस वाई को उठाकर इक्वेशन 3 पर रख दो या इक्वेशन 2 पर रख दो, तुम्हारी मर्जी है, या इक्वेशन 1 पर रख दो, तुम्हारी मर्जी, कहीं भी रखो आपको आंसर मिलेगा। इक्वेशन 3 पर रखते हैं, डायरेक्ट निकलेगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 आप कहीं भी रख सकते हैं, x का वैल्यू बताइए जी कितना आ जाएगा। x इक्वल टू y बोले तो ये 5 प्लस कितना 4, यानी कितना x आ गया आपका 9। ये आपके पास आंसर, देयर फोर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू आपका कितना आ गया 5। ये आपका हो गया आंसर। बस इतनी सी है सब्सटीट्यूशन मेथड, इतनी सी है बस, ठीक है। दो में से कोई एक इक्वेशन पकड़ो और उसको यूज करके x या y निकालो, ठीक है, और उसको उठा के दूसरी इक्वेशन में प्लेस कर दो, खत्म बात, आपको सारे के सारे आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। हो गया जी, इतना समझ में आया, अगले पे आया जाए। चलो अगले पे आते हैं। अगला है तुम्हारे पास ये मिटा डाला भैया, और अगले पे आते हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। s माइनस t इक्वल टू 3, s माइनस t इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 चिपका डाली, ठीक है, और दूसरी है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। तुम चाहो तो इसको ऐसा ही लिखो, तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके एलसीएम लेकर भी लिखो, बाद में भी लेना ही है, पहले भी ले सकते हैं, जो तुम्हें उचित लगे, ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, ओके। चलो मैं बाद में ही लूँगा, हटाओ, अभी भी आप ले सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं लेते हैं, ओके। चलो फिर देखो, दोनों में से किसका इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है, इसका, सीधे साधे वेरिएबल्स हैं, सीधे एक दूसरे के टर्म पे आ जाएगा, क्यों इसमें बवाले में पढ़ूं मैं, एलसीएम लूं, फिर दाएं बाएं भेजूं, फिर एससीआरटी निकालूं, लंबा काम, डायरेक्ट एससीआरटी निकल रहा है, इसको यूज़ करते हैं फिर, अक्लमंदी हुई है। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखूंगा भैया, एस इक्वल टू, एस निकाल लो, माइनस टी वहाँ पटक दिया, टी प्लस 3 हो गया, इक्वेशन 3 हो गई, उसके वही अपना डायलॉग, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। लो भैया इक्वेशन 2 पर रखेंगे अब, है ना, इक्वेशन 1 से निकाला, 2 पर रखते हैं, ठीक है डियर। चल फिर s का वैल्यू क्या लेकर आ गया मैं, यहाँ पे देखो s दिखाई पड़ रहा है, कितना लिखूँ इसके बदले, t प्लस 3 अपॉन में कितना 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है। एलसीएम लो तो ये कितना मिलेगा तुम्हें, 3 2 6, एलसीएम 6 हो गया, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 3 2 2 इंटू टी प्लस 3, फिर बताओ कितना आएगा, प्लस 2 3 6, 3 इंटू टी कितना हो जाएगा आपका 3t, इक्वल टू कितना आ गया आपका 6, ठीक है, यही होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ओके। चलो इसको अंदर पटक दो, 2 इंटू टी प्लस 2 3 6 प्लस कितना t, 3t इक्वल टू 6 6 36, क्रॉस मल्टीप्लाई में चले गया वहाँ, ठीक है। 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 प्लस 6 वहाँ गया तो माइनस 6, 5t इक्वल टू कितना आ गया आपका 30, t कितना आ गया आपका 5 6 30, तो t का वैल्यू आ गया 6। लो इस t को उठाकर इक्वेशन 3 पर चिपका दो, ठीक है, इसको चिपका डाला तो आपको पता ही आगे क्या होगा, है ना। चलो चिपका दें, बताओ क्या आएगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, बताओ जी, बताओ बताओ बताओ, s इक्वल टू कितना आ गया, s इक्वल टू आपका आ गया, t का वैल्यू कितना है 6 प्लस 3 यानी कितना आ गया, ये भी 9। लो फिर आंसर पेस कर लो, t इक्वल टू कितना 6 एंड s इक्वल टू कितना आपका 9 हो गया, ठीक है। हल्का सा क्वेश्चन था, ऐसे ही काम करना है इसमें, क्लियर है, निपटाओ, अगले पे आते हैं, पूरा करो, पूरा करो जी, जल्दी करो, हो गया डियर, हो गया। फिर अगला देखते हैं, हम्म,
लो भाई, ये हो गया इसका सफाया और हम अपने पे आते हैं अगले नए क्वेश्चन पे। चलो जी शुरू करते हैं। अगला है 3x-y=3। अच्छा सा क्वेश्चन, 3x-y=3 इक्वेशन वन हो डालिए, ठीक है। और है 9x-3y=9। 9x-3y=, कितना आपका 9, इक्वेशन टू, ठीक है भाया। चल फिर इस्तेमाल कर लो किसी का भी जो तुम्हें अच्छा लगे, फ्रॉम वन ही पकड़ लेते हैं। चलो फ्रॉम इक्वेशन वन वाई निकाल लो या एक्स निकाल लो, जो तुम्हें सही लगे। वाई अकेला है, वाई निकाल लो फिर। वाई कितना आएगा, वाई वहाँ फेंका प्लस में, थ्री यहाँ आया माइनस में, कितना आ जाएगा 3x-3, ठीक है। ये बातें उम्मीद है आपको समझ में आती होंगी, है ना। माइनस वाई वहाँ गया प्लस वाई हो गया, प्लस थ्री यहाँ आया माइनस थ्री हो गया। इक्वल टू के दाएं बाएं लिखो, क्या फर्क पड़ता है। ओके चल सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू, वन का यूज किया, टू में उठा के चिपका रहे, चिपका डालो फिर। देखो 9x है एक माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू, ये वाई दिख रहा है, वाई का वैल्यू कितना है 3x-3 है, इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। 9x-3 जा 9x, माइनस माइनस प्लस 9, इक्वल टू कितना 9, 3x 9x 9x आपका निकल लिया। ये क्या हो गया भाई, ये तो गजब हो गया। देखो इस तरह से आपको मिला 9=9, वेरिएबल्स तो आए नहीं, एक्स वाई कहाँ से निकालोगे अब, ठीक है। घबराने का नहीं भैया, बिल्कुल नहीं घबराने का। देखो एक कंडीशन क्या आई, 9=9 आया। क्या 9 के इक्वल होता है, होता है भैया, 9 के इक्वल होता है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, विच इज ट्रू, अगर ऐसा होता है, ठीक है भाई। अगर ये ट्रू है, और जब भी आपको ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने पर ऐसा कुछ दिखाई पड़ जाए, कोई ट्रू कंडीशन आ जाए, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बस हो गया, अगर आपको ऐसा दिखाई पड़ जाए तो उसके लिए आप बोलेंगे सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और देख लो एक कंडीशन भी वाली आ रही है, 3/9 1/3, -1/-3 1/3, 3/9 भी कितना 1/3। क्या a1/a2=b1/b2=c1/c2 आया, किसकी कंडीशन थी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भाई, वही तो है। तो ऐसा आया तो ये हुआ। इत्तफाक से अगर ऐसा आता, मान लिया 0=4 आता, मान लेते हैं, ऐसा होता है क्या 0-4 के इक्वल, नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स है। तो ऐसे केस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लिख दोगे द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है इतना। निपटाओ अगले पे आते हैं। ये हो गया होगा आपका, हो गया, छाप लो जल्दी छापो, ये मिटाया भैया, अब इसका सफाई अभियान जारी करते हैं, ठीक है। तुम भी अपने घर के आसपास सफाई बनाए रखो बढ़िया करके, ठीक, और खुद भी साफ रहो, ठीक है। हाँ चलो फिर, अच्छा ये आ गया अगला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, ये है तुम्हारा 0.2x+0.3y, 0.2x, 0.2x plus 0.3y=1.3, 0.3y=1.3, इक्वेशन वन हो गई, ठीक है, क्लियर। और अगली है 0.4x+0.5y=2.3, 0.4x+0.5y=2.3, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है, क्लियर। डेसिमल से जितना हो सके दूर रहो यार, दूर रहो इनसे, बहुत सारे बच्चे इनमें गड़बड़ी करते हैं, तो इसलिए इनका उपाय कर दो अगर हो सक रहा है तो। निपटा दो, कैसे निपटाऊंगा, पॉइंट के बाद एक प्लेस, पॉइंट के बाद एक प्लेस, पॉइंट के बाद एक प्लेस, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ठीक है।
पॉइंट के बाद एक प्लेस, पॉइंट के बाद एक प्लेस, पॉइंट के बाद एक प्लेस, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 10 से। यहाँ लिख रहा हूँ इंटू 10 इंटू, ठीक है समझ जाना भैया बात को, दोनों को मैंने 10 से इंटू कर दिया। क्या फ़ायदा होगा? अब जो फ़ायदा होगा वो ये होगा, देखो डेसिमल हट गया, कितना बचा 2x प्लस कितना आया 3y इक्वल टू कितना रह गया 13, पूरी इक्वेशन को 10 से इंटू कर दिया, ठीक है। और ये कितनी आ गई 4x प्लस कितना y 5y इक्वल टू कितना 23, इक्वेशन 2 आ गई। लो भैया जो मेरी इक्वेशन 1 और 2 थी वो बढ़िया करके बिना डेसिमल के ऐसे मिल गई, अब तो आसान हो गया। चलो किसी को भी पकड़ लेते हैं, मैं इसको न बोल के और इसको न बोल के इनको बोलता हूँ 1 और 2, ठीक है समझ जाना भैया बात को। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन तुम्हारी 2 हो गई, अब इनका कोई मतलब नहीं है इनसे मुझे, ठीक है इनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए मैंने, अब मेरे किसी काम के नहीं है, ठीक है ये काम के हैं मेरे। ओके चलो फिर 1 को पकड़ लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 बताओ क्या लिखा जाएगा, 2x प्लस इक्वल टू निकालो, x निकाल लेते हैं, कितना आएगा 13 माइनस 3y, x कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है। कहाँ रखूँ इसको उठा के, इक्वेशन 2 पर रख देते हैं, चलो रखो फिर। नाउ अब मैं लंबा नहीं लिखूंगा बार बार यार, सीधे करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 बताओ भैया, इक्वेशन 2 क्या बता रही है मुझे, 4x ये लाओ, x ये दिख रहा है, रखो फिर x के बदले, कितना 13 माइनस 3y अपॉन में कितना आपका 2 प्लस कितना 5y इक्वल टू कितना 23, ठीक है। चलो 2 से उड़ाया, 2 जा बार, ओके अंदर पटक दो इसको, 213 जा 26 माइनस 23 जा 6y प्लस कितना y 5y इक्वल टू कितना 23, अच्छा माइनस 6 प्लस y कितना माइनस y है ना, माइनस 6 प्लस 5y और 23 माइनस 26 यानी कि माइनस y कितना आ जाएगा आपका माइनस 3, y से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया आपका 3 आ गया, y का वैल्यू आ गया, तो फिर x निकालना कौन सी बड़ी मुसीबत है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 पर आके इसमें x रख देंगे, काम बन जाएगा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किस पे आ जाओ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 बताओ जी कितना मिलेगा, ये x ये रहा, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई, वाई बोले तो 3 अपॉन में कितना है 2 है ना, 3 9, 13 में से 9 गया 4/2 और यानी कि x कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। तो मुझे जो आंसर मिला वो भैया क्या मिला, वो मुझे ये मिला, देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू कितना आपका 3, बस हो गया, रिद्धि सा हो गया ये, ठीक है। कुछ भी ऐसा तूफानी क्वेश्चन नहीं है ना, कोई तोप क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ख़त्म करो, अगले पे आते हैं, निपटा लो इसको, ठीक है। इसको बना डाला तो लाइव जिंगा लाला भैया, ध्यान रखना इसका, हाँ हाँ फिर ये तो आसान चीज़ें हैं, ओके चलो हो गया होगा। आ जाओ भाई अगले पे आ जाते हैं, अगला है तुम्हारे पास इसका √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और इसका पड़ोसी है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 माइनस √8y इक्वल टू कितना 0, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है आराम से बनेगा। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है क्लियर डियर। चलो इक्वेशन 1 या 2 पकड़ लो, फ्रॉम 2 ही पकड़ लेते हैं, अभी हटाओ बहुत पकड़ ली 1, एक्स या वाई निकालने में से क्या आसान है, एक्स निकाल लो या वाई जो भी है ना, √3x इक्वल टू कितना आएगा √8y, एक्स कितना आ जाएगा √8 अपॉन √3 साथ में कितना वाई। लो भैया इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है। कहाँ रखूँ इसको, इक्वेशन 1 पे रख दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 बताओ भैया क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 से √2 इंटू एक्स दिख रहा है, एक्स कितना दिख रहा है फिर
रूट एट बाई रूट थ्री वाई प्लस कितना रूट थ्री वाई इक्वल टू कितना जीरो। अरे रूट दे के घबराना मत, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी। ओके अच्छा, रूट टू इंटू रूट एट सिक्सटीन हुआ, ए टू या सिक्सटीन, और इसका रूट कितना होता है फोर, तो ये फोर अपॉन रूट थ्री प्लस रूट थ्री साथ में कितना है वाई है इक्वल टू कितना है जीरो है। मैंने क्या किया, कन्फ्यूज़ नहीं करना, दोनों में वाई कॉमन ले लिया, ठीक है वाई यहाँ भी है वाई यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, बाहर पटक दिया उसको, अंदर क्या बच रहा है रूट टू इंटू रूट एट यानी कि रूट सिक्सटीन जो कितना होता है फोर अपॉन में कितना बच रहा है रूट थ्री प्लस यहाँ कितना बच रहा है रूट थ्री। टेंशन नहीं लेने का डियर, ठीक है टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, आराम से बनने वाले क्वेश्चन है। अच्छा तो बताओ यहाँ से वाई कितना आ जाएगा, ये वाई के साथ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो अपॉन में है, जीरो के अपॉन में इतना बड़ा सामान जाएगा ये फोर अपॉन थ्री प्लस रूट थ्री, जीरो अपॉन कुछ कितना होता है जीरो, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया जीरो आ गया। लो डियर वाई का वैल्यू जीरो आ गया, है ना, जीरो अपॉन कुछ मल्टीप्लाई वाली चीज अपॉन में जाती है, बचपन से पढ़ा है, वाई का वैल्यू जीरो आ गया। उठा के वन पे रख दो, थ्री पे रख दो, कहीं भी रखो तुम्हारी इच्छा। चलो रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थ्री, ये कर लिया होगा ना। चलो फ्रॉम इक्वेशन थ्री, चलो बताओ कितना आएगा, x इक्वल टू रूट एट बाई रूट थ्री इंटू वाई आपका आ गया है जीरो, जीरो इंटू कुछ कितना होता है जीरो, तो x भी कितना आया आपका जीरो आया, हो गया देयर फोर एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो हो गया। बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन ये भी, ठीक है अगले पे आ जाए आते हैं। चलो लास्ट प्रॉब्लम है इसकी, फिर वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है। ओके चलो जी, ये गया ये मिटा डाला भैया, अगले पे आते हैं। ठीक है अगला इसका आखिरी वर्ड प्रॉब्लम है, उसको निपटाते हैं ख़त्म करते हैं, ठीक है। हाँ 3x बाई टू माइनस 5y बाई थ्री, ये रहा अगला आपका 3x बाई टू माइनस 5y बाई थ्री, यही है शायद, यही है इक्वल टू माइनस टू। चलो एक काम करते हैं ना, इसको पहले समेट लेते हैं यार, बवाल ही काम होगा इसमें एलसीएम लेके, सॉरी बिना एलसीएम ले करना, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम, सिक्स, टू थ्री जा सिक्स थ्री जा नाइन एक्स, थ्री टू जा सिक्स टू फाइव जा टेन वाई इक्वल टू माइनस टू, वहाँ फेंको इसको, नाइन एक्स माइनस टेन वाई इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, इक्वेशन वन हो गई। लो ऐसी आई इक्वेशन वन, ठीक है। अच्छा दूसरा है तुम्हारे पास एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई टू इक्वल टू थर्टीन बाई सिक्स, एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई टू इक्वल टू थर्टीन बाई सिक्स, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एलसीएम ले डालो इसमें भी, कितना आएगा एलसीएम, सिक्स, थ्री टू जा सिक्स टू एक्स प्लस टू थ्री जा सिक्स थ्री वाई इक्वल टू थर्टीन बाई सिक्स, से सिक्स कैंसिल, कितना मिल गया टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थर्टीन। चलो ये इक्वेशन टू आ गई, अब तो आसान हो गया, ठीक है अब तो आसान हो गया। चलो तुम सॉल्व करो इसको, मैं वेट करता हूँ दो मिनट तुम्हारे लिए, बनाओ 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 जल्दी बनाओ, आंसर मिला उसके बाद बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, बन जाएगा, हो गया सॉल्व। चलो बनाते भी रहो मिलाते भी रहो, मैं इसका यूज कर रहा हूँ यहीं पे को, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन वन, नाइन एक्स इक्वल टू वहां पटक दिया टेन वाई माइनस ट्वेल्व, इक्वेशन थ्री हो, नहीं अभी नहीं हुई यार, अभी कहाँ से हुई, x निकालो यहाँ से, x कितना आ जाएगा टेन वाई माइनस ट्वेल्व अपॉन नाइन, इक्वेशन थ्री अब ये हो गई। खुद भी करते रहो मिलाते भी रहना, आपने जो इक्वेशन ली है ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको ले रहा हूँ आप उसको ले सकते हो, इसको उठा के वहाँ चिपका दो, इसको उठा के यहाँ रख रहा हूँ, मैं सीधे लिख रहा हूँ, अब रखो फिर x का वैल्यू टू इंटू एक्स, एक्स बोले तो टेन वाई माइनस ट्वेल्व अपॉन नाइन प्लस कितना थ्री वाई इक्वल टू कितना आया थर्टीन, यही किया होगा आप लोगों ने भी अगर इसको लिया है तो। चलो टू को अंदर मल्टीप्लाई करो एलसीएम ले लो, टू टेन जा ट्वेंटी वाई, ट्वेंटी वाई माइनस ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर
प्लस 9 3 जा एलसीएम लिया 27y अपॉन में कितना एलसीएम था आपका 9, इक्वल टू कितना आया 13 आया, ठीक है। और अच्छा ये अब कितना आ रहा है फिर 20 प्लस 27 47y माइनस 24 इक्वल टू 39 जा 117 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये आ रहा होगा तुम्हारा भी सभी का। अच्छा फिर आपका आएगा ये 47y इक्वल टू 117 प्लस 24 आया, है ना। 47y इक्वल टू कितना आ गया 11 141 थ्री जा 3 7 1 2 ये आया आपका 3 जा बाहर निकल लिया, y कितना आ गया आपका 3 आ गया, लो भैया ठीक है। 47 थ्री जा होता है 141, y की वैल्यू आ गई। कहाँ रखोगे उठा के इक्वेशन 3 पर रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 बताओ जी कितना आएगा। x इक्वल टू 10 इंटू 3 है ना, y का वैल्यू 3 है, माइनस कितना 12 अपॉन कितना आ गया 9 आ गया, x कितना आ गया, x आपका आ गया कितना आया 10 से 30 माइनस 12 अपॉन में कितना 9, x कितना आ गया आपका 30 में से 12 गया 18 अपॉन कितना 9 2 जा 18, लो आंसर पेस्ट कर दो। डियर फोर एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू कितना आपका 3, लो जी हो गया, ठीक है। तो ये तो था आपका पहला सेगमेंट इसका, जिसमें आपने केवल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा और आंसर निकाला। अगला टाइप जो इसमें आएगा हमारा वो क्या आएगा, वो आएगी इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब आपको अब ऐसा नहीं मिलेगा, पकी पकाई मैगी नहीं मिलेगी, अब आपने मार्केट जाना है, मैगी लेके आनी है, बनाना है और फिर खाना है, वही यहाँ लागू होगा। आपको एक लंबी चौड़ी वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, उसको पढ़ना है, उससे इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर जाके उसको सॉल्व करना है, फिर आंसर लाना है, ठीक है। देखो रिलेट हो गया, मैगी सुन के लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा तुम्हारे मुँह में है, चलो कोई बात नहीं। आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा इसका कॉन्सेप्ट, इसके आगे के हम क्वेश्चंस को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, जो है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसके और क्वेश्चंस, ओके, अदर बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मौज में रहिए, ओके, मिलते हैं बेटा, बाय।